10 लाख की लागत का दुग्ध सहकारी समिति बोरिया औरंगपुरा में भवन लोकार्पण, 220 दूध उत्पादक किसानों को 10 लाख का बोनस वितरण। दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित बोरिया औरंगपुरा में भवन लोकार्पण और औरंगपुरा में बोनस वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल सहित अतिथियों द्वारा कन्या पूजन करके किया। दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित औरंगपुरा द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का साफा बांधकर शॉल श्रीफल देकर स्वागत किया। इस अवसर पर इंदौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने कहा, निजी दूध व्यापारी मुनाफा कमाता है तो सिर्फ उसको लाभ होता है, दुग्ध समिति और दुग्ध संघ लाभ कमाते हैं, अपने सदस्यों वापस बोनस के रूप में वितरित करते हैं, दोनों में यही फर्क है। इंदौर दुग्ध संघ द्वारा संचालित योजनाओं जैसी सांची चिकित्सा सहायता में 100 रुपए की प्रीमियम पर पति पत्नी और दो बच्चों का 60,000 रुपए तक का इलाज, सदस्य की मृत्यु होने पर 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि, समिति कर्मचारियों की मृत्यु पर 3 लाख रुपए की आश्रित परिवार को सहायता आदि कार्यक्रम को इंदौर दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि दुग्ध संघ के कारण ही निजी दूध व्यापारी को दुग्ध प्रदाय करने वाले किसानों को दूध का अच्छा भाव देते हैं। CEO A.N. द्विवेदी, भाजपा महामंत्री गुमान सिंह पवार ने भी संबोधित किया और दूध उत्पादक किसानों को इंदौर दुग्ध संघ की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। 220 दूध उत्पादक किसानों को दुग्ध संघ और दुग्ध समिति द्वारा 10 लाख का बोनस वितरित किया गया और 10 लाख की लागत से बने नवीन भवन का लोकार्पण किया। प्राइवेट दूध व्यापारी और दुग्ध समिति और दुग्ध संघ में यही फर्क है। प्राइवेट व्यापारी अगर दूध लेता तो खुद मुनाफा कमाता। आज एक दुग्ध समिति ने औरंगपुरा ने आपके सामने 10 लाख रुपए का भवन निर्माण किया और 10 लाख रुपए के लगभग सदस्यों को बोनस दिया, उसमें 3 लाख रुपए के आसपास इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा भी बोनस दिया गया। तो दुग्ध समिति के माध्यम से किसानों को जो दूध का भाव मिलता ही मिलता है, साथ में साल के आखिर में उनको एक बोनस के रूप में एक अतिरिक्त राशि मिलती है। ये अगर प्राइवेट में जाता तो प्राइवेट व्यापारी मुनाफा कमा लेता। तो मैं औरंगपुरा और बोरिया दुग्ध समिति के वहाँ के दूध उत्पादक सदस्यों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और वहाँ की संस्था के कार्यकारिणी को, उन्होंने दोनों जगह संस्था अच्छी चलाई और औरंगपुरा में हमने नवनिर्मित भवन के साथ बोनस वितरण भी किया और बोरिया में नवनिर्मित भवन का आज उद्घाटन है। औरंगपुरा समिति द्वारा आज कितने रुपए का बोनस और 10 लाख का बोनस 200 लोगों को मिला था जी। और आज यहाँ पर नए भवन का लोकार्पण था BMC का और बोनस वितरण। खबर भारत वर्ष के लिए देपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।